गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 3 अहिंसा से संबंधित पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्नों का दोहरान कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, ये पाठ हमने पहले भी पढ़ा था और इन प्रश्नोत्तर का दोहरान हमने पहले भी किया था, लेकिन आज हम इसका फिर से दोहरान करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये पाठ ही भूल गए होंगे कि इस पाठ में था क्या, तो देखो हम सबसे पहले इसका दोहरान करते हैं कि इस पाठ में क्या था। देखो, पाठ में था कि एक लड़का था दीपक, जो कि बहुत ही होनहार बालक था। तो देखो, दीपक का जब जन्मदिन आया तो उसके मामा ने उसे छर्रे वाली बंदूक दी। फिर जब जैसे ही दीपक को छर्रे वाली बंदूक मिली, देखो बच्चों, मैं आपको ये थोड़ा इसको छोटा करके समझा रही हूँ, पाठ को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अच्छे से मतलब कि छोटा एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब पूरा पाठ मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो देखो, हम जल्दी जल्दी समझते हैं। तो देखो, तो उसके मामा ने उसे छर्रे वाली बंदूक दी। छर्रे वाली बंदूक से वो क्या करता, पूरे दिन निशाना साधता रहता और पूरे दिन वो बंदूक से ही खेलता रहता था। एक दिन अचानक एक चिड़िया, जो कि बहुत ही सुंदर सी थी, छोटी सी थी, वो एक टहनी से फुदक कर दूसरे टहनी पर जा रही थी। दीपक ने उसे देखा और उसने सोचा कि मुझे इस पर निशाना साधना चाहिए। दीपक ने निशाना साधा और उसके बाद उसने उस चिड़िया को अपने बंदूक से मारने की कोशिश की। निशाना लग गया और छर्रा लगते ही वो चिड़िया मर गई। इतना ही नहीं, जैसे ही वो चिड़िया मर गई, उसने उस चिड़िया को एक रस्सी से बांध कर हवा में लटका दिया और वह बार बार उस पर निशाना साधने लगा। ये सारा दृश्य दीपक की माँ थी, वो देख रही थी। जब उन्होंने दीपक को ऐसा करते हुए देखा तो वो बाहर आई और उन्होंने दीपक को डांटते हुए कहा, क्या कहा, कि बंदूक आत्मरक्षा के लिए होती है। आत्मरक्षा मतलब कभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो हम उससे स्वयं की रक्षा कर सकें। तो दीपक की माँ ने उसको समझाया कि बंदूक स्वयं की रक्षा के लिए होती है, ना कि किसी निर्जीव जीव की हत्या के लिए, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब दीपक की माँ ने उसे ये सब समझाया कि वो तो बोल नहीं सकते, किसी से मदद नहीं मांग सकते, तो दीपक को ये बात समझ में आई और उसे उस अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने चिड़िया को लिया और उसको मिट्टी के अंदर दफना दिया और साथ में उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो कभी भी किसी भी जीव को परेशान नहीं करेगा, ना कभी वो किसी जीव को मारेगा। तो बच्चों, इस तरीके से ये पाठ था अहिंसा। अब हम इससे संबंधित पाठ्यपुस्तक के प्रश्न का दोहरान करेंगे। देखिए, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थान भरो। प्रश्न 2 क्या है, रिक्त स्थान भरो। क देखिए, दीपक एक रिक्त स्थान बालक था। बताओ दीपक कैसा बालक था, जल्दी बताओ बच्चों। अभी मैंने आपको पाठ की शुरुआत में ही बताया था ये। देखो, दीपक एक होनहार बालक था। कैसा बालक था, होनहार। तो देखो कैसे लिखोगे, ह ह पे ओ की मात्रा, हो न ह ह पे आ की मात्रा, हा र होनहार, ठीक है। ख देखो, दीपक सारा दिन बंदूक से रिक्त स्थान साधता रहता था। दीपक क्या करता था, बंदूक से सारा दिन निशाना साधता रहता। निशाना कैसे लिखेंगे, न न पे की मात्रा, नि श श पे आ की मात्रा, शा न न पे आ की मात्रा, ना निशाना। दीपक सारा दिन बंदूक से निशाना साधता रहता था। ग देखो, एक सुंदर सी रिक्त स्थान फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती। एक सुंदर सी क्या थी, चिड़िया। चिड़िया कैसे लिखोगे, च च पे इकी मात्रा, ची र र पे भी इकी मात्रा, अड़ी य य पे आ की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा, तो चिड़िया। घ देखो, मैंने अपना रिक्त स्थान ठीक करने के लिए इसे मारा। क्या करने के लिए ठीक करने के लिए मारा था, निशाना। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा निशाना। निशाना, न न पे इकी मात्रा, नि श श पे आ की मात्रा, श न न पे आ की मात्रा, न निशाना। और देखिए, इस चिड़िया ने रिक्त स्थान क्या बिगाड़ा था, इस चिड़िया ने रिक्त स्थान क्या बिगाड़ा था, तो बताइए। देखिए, रिक्त स्थान में क्या आएगा, तुम्हारा, त तप पे उ की मात्रा, तू,
आदा म ह हपे आखी मात्रा हा र रपे आखी मात्रा रा तुम्हारा। देखो फिर से देखते हैं क वाला। देखो दीपक एक होनहार बालक था, इक्कीस स्थान में आया यहाँ होनहार। ख देखें दीपक सारा दिन बंदूक से निशाना साधता रहता था, इक्कीस स्थान में आया निशाना। ग देखो एक सुंदर सी चिड़िया फुदक फुदक कर एक टहनी से दूसरी टहनी पर जाती, यहाँ रिक्त स्थान में चिड़िया आएगा। घ देखो मैंने अपना निशाना ठीक करने के लिए इसे मारा, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा निशाना। हड़ा देखो इस चिड़िया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा तुम्हारा। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको इस पाठ से संबंधित रिक्त स्थान का दोहरान कराया है। आप भी इसे अच्छे से दोहरान कीजिए और अगर आपने ये कॉपी ये कार्य अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं किया है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ये कार्य कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।